संगठन के बारे में बोलना चाहता हूं। आपने मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये पार्टी कहलाती है, मगर सचमुच में ये एक परिवार है। इस बात को आप मानते हैं? ये हिंदुस्तान का, शायद दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है और इसमें, हिंदुस्तान में सब लोग अंदर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, बदलाव की जरूरत है या नहीं है? तेजी से बदलाव की जरूरत है, मगर सोच समझ के बदलाव की जरूरत है और सबको एक साथ लेकर बदलाव की बात करनी है और बदलाव लाना है। प्यार से करना है, सोच समझ के करना है और आपकी आवाज को सुनकर करना है, सबकी आवाज को सुनकर करना है। मैं पहले यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, NSUI का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, अब मैं कांग्रेस पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट हूं। आपको यह लगना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी सिर्फ युवाओं की बात करता है। राहुल गांधी का परिवार यूथ कांग्रेस, NSUI, कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, सब के सब है। और आज से राहुल गांधी सबके लिए काम करेगा। और सबको कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और मैं आपको वायदा करना चाहता हूं, सुनिए, और मैं आपको वायदा करना चाहता हूं कि मैं आप सबको एक ही आंख से, एक ही तरीके से देखूंगा, चाहे वो यूथ कांग्रेस का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो इनएक्सपीरियंस्ड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, महिला हो, जो भी हो, जो आप कहेंगे मैं उसे सुनूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। राजनीति में मैं अब 8-9 साल से हूं और मैं एक बात समझा हूं, काम करना है, सोच समझ के करना है, गहराई से करना है और जल्दी से नहीं करना है। बदलाव हो तो लंबे तौर पे हो और गहराई से हो। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बदलाव की बात आपने कही, नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं और यहां शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। मजेदार संगठन है। कभी कभी मैं पूछता हूं अपने आप से, भैया ये चलता कैसे है, ये इलेक्शन कैसे जीतता है, ये बाकी पार्टियों को खत्म कैसे कर देता है, समझ नहीं आती है बात। मगर इलेक्शन के बाद धड़ाक से कांग्रेस पार्टी जीत गई। वर्कर खड़ा हो गया, नेता खड़े हो गए। शीला जी मुझे कह रही थी कि भैया पता नहीं क्या होता है, इलेक्शन के पहले सब खड़े हो जाते हैं और धड़ाके से लड़ जाते हैं। ये गांधी जी का संगठन है, इसमें हिंदुस्तान का DNA भरा हुआ है। बाकी संगठन और जो हमारे विपक्ष के हैं, वो समझते नहीं है इस बात को। वो देखते हैं, वो कहते हैं भैया ये हो क्या रहा है, ये क्या कह रहे हैं लोग। कोई कहता है भैया मैं किसी एक जात की पार्टी हूं, कोई कहता है मैं किसी एक धर्म की पार्टी हूं, और कांग्रेस पार्टी कहती है भैया
हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। हम ना जात पहचानते हैं ना धर्म पहचानते हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तान की डीएनए पहचानते हैं, सबके सब हैं इसमें। तो नियम और कानून की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हम लीडरशिप डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते। आज से पांच छह साल बाद ऐसी बात होनी चाहिए कि अगर किसी स्टेट में हमें चीफ मिनिस्टर की जरूरत हो तो जैसे पहले फोटो हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी की, 40 फोटो होती थी, नेहरू जी, पटेल, आजाद, जायंट्स हुआ करते थे, उनमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता था। ये बात हमने करनी है। हमें 40-50 नेता तैयार करने हैं जो देश को चला सके, सिर्फ प्रदेश को नहीं देश को चला सके। 40-50 नेता ऐसे तैयार करने हैं हर प्रदेश में। हमारे पास 5-6-7-10 ऐसे नेता हों जो चीफ मिनिस्टर बन सके, और हर डिस्ट्रिक्ट में यह बात हो, हर ब्लॉक में यह बात हो। और अगर कोई हमसे पूछे भैया कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए नेता तैयार करती है। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नेता, ऐसे नेता जो गहराई से हिंदुस्तान को समझते हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वैसे नेता तैयार करती है। ऐसे नेता तैयार करती है जिनको हिंदुस्तान के सब लोग देखकर कहते हैं भैया हम इनके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। तो लीडरशिप डेवलपमेंट की जरूरत है, और इसके लिए ढांचे की जरूरत है, सिस्टम की जरूरत है, इंफॉर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि यहां पे जो नहीं होता है इसलिए नहीं होता है कि कोई चाहता नहीं है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि सिस्टम नहीं है। और सिस्टम बनाया जा सकता है, और इस सिस्टम को आप